गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सुरक्षित हैं। तो देर न लगाते हुए हम करते हैं अपना टॉपिक। हमने WH के वर्ड्स लिए हुए थे, क्वेश्चन वर्ड्स लिए हुए थे। कल हमने किए थे हु एंड हुम, और आज हम करने जा रहे हैं यूज ऑफ हुज एंड व्हाट। हुज का मतलब आपको पता ही है, हुज का मतलब कहता है किसका, और व्हाट का मतलब होता है क्या या कौन सी। तो आइए हम शुरू करते हैं यूज ऑफ हुज। इट इज यूज फॉर पजेशन, कि इस पे किसका अधिकार है या किसकी है, ठीक है। रिलेटेड टू मी और रिलेटेड टू यू, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। यह है जो पुस्तक है किसकी है, यानी कि इस पुस्तक का संबंध किस व्यक्ति से है, ठीक है। तो इस प्रकार के जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम वाक्य के शुरू में हुज का प्रयोग करते हैं, और इन द एंड वी यूज क्वेश्चन मार्क। ओके, हुज मोबाइल्स वर ऑन द टेबल, मेज के ऊपर किसके मोबाइल्स थे, या अगर हम पूछें कि मेज के ऊपर किसके मोबाइल हैं तो हम क्या करेंगे, हुज मोबाइल्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेंटेंस लेते हैं हम, हुज डॉग वाज दैट, वह जो कुत्ता किसका था, या वह कुत्ता किसका है, हुज डॉग इज दिस, यह कुत्ता किसका है। तो इस प्रकार हम जो हुज का प्रयोग है वह पोजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। आगे है यूज ऑफ व्हाट, व्हाट का प्रयोग, व्हाट मींस क्या या कौन सी। इसका प्रयोग हम थिंग्स के लिए करते हैं, किसके लिए, थिंग्स के लिए, और इसमें भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, यानी जो इसका आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या आपका क्या नाम है, व्हाट इज दिस, यह है क्या है, इट इज अ चॉक। तो इस प्रकार हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने में इसका प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में जैसे हम करते हैं ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि क्या, क्यों, कैसे, किसका, कौन सी, तब हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले उन WH वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया है, व्हाट डू यू वांट, अगर हम पूछें कि डू यू वांट, आप क्या आप चाहते हो, तो उन्होंने इसमें पूछा है कि आप क्या चाहते हो, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम शुरू के अंदर WH के वर्ड्स को लगा देंगे, ठीक है। डू यू लिव, क्या तुम रहते हो, और अगर पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो उसमें हम वेयर को शुरू में लगाते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो इस प्रकार हम WH का वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये था हमारा हुज एंड व्हाट, ठीक है। हम इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, हमने 6 एग्जांपल दिए हैं, आपने इनको कन्वर्ट करना है, यूज किसका करना है, हुज एंड व्हाट का, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, यह है किसका घर है, सेकंड है यह है क्या है, थर्ड क्वेश्चन है वह क्या चाहता है, फोर्थ है आप क्या कर रहे हैं, किसकी माँ बीमार थी, और किसकी गाय मैदान में चर रही है। इस प्रकार आपने WH का जो वर्ड्स है हमारे आज का, हुज और व्हाट, इनका प्रयोग करके ये वाक्य को बनाने हैं, ठीक है। टेंस की अगर हम बात करें, जैसा हम टेंस में कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं, हम नेगेटिव कर रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं उसके अंदर, और इंटरोगेटिव जो नेगेटिव होते हैं उसके
अंदर अगर हमें क्या क्यों कैसे जो हमने 9 वर्ड्स करवाए हैं इनमें से कुछ भी पूछा जाता है तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले उसको लगा देते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन वर्ड है उनके लिए मिलते हैं।